हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है यूपीएससी। सब देख रहे होंगे यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये पीछे का टॉपिक है, इसका जो मेन टॉपिक है वो है आईएएस। क्या आईएएस कैसे बने और आईएएस के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो कि देश की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, ये कैसे बनते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इन सब के पेपर यूपीएससी कराता है। कौन कराता है? यूपीएससी। इसकी फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के पेपर कराती है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। पहला है इम्पॉर्टेंट एग्जाम इन इंडिया। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम होता है। ऐसे समझ लो कि आईएएस सबसे भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी मानी जाती है, सबसे बड़ा पद माना जाता है। और सबको पता होगा आईएएस का पद पूरे जिले में सबसे बड़ा होता है, जहाँ से निकलता है उसके पीछे दो गाड़ी जाती हैं, उसके आगे दो गाड़ी जाती हैं, वो चाहे जिले में कुछ भी करवा सकता है, इतनी पावर होती है आईएएस की। तो इसलिए यह एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम है पूरे भारत में। किसका? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस यानी यूपीएससी का। दूसरा है एक बार 5 से 10 लाख लोग फॉर्म डालते हैं। अब खुद सोचिए इसका कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि जब 5 से 10 लाख लोग फॉर्म डालते हैं उसमें निकलते कितने हैं? 1000-2000 बस। यानी पॉइंट में परसेंट निकलती है। क्या पॉइंट में परसेंट निकलती है तब कहीं जाके आईएएस बनते हैं, तभी इतनी बड़ी पावर मिलती है, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल दिन रात मेहनत करनी पड़ती है आईएएस के लिए, तब कोई इंसान आईएएस बन पाता है। तीसरा है कि आईएएस का पेपर होता कैसे। पहले 3 तरीके से पेपर होते हैं। पहले प्री होता है, फिर इसे जब क्लियर कर लेंगे, प्री में 2 पेपर होते हैं, नीचे लिख दिया है, उसको 33% में पास करना पड़ता है। जब पहला 33% में पास करोगे तभी दूसरा पेपर चेक होता है, वरना वहीं पे कॉपी फाड़ दी जाती है। और फिर उसे पास करने का मेंस होता है, उसके अंदर 9 पेपर होते हैं, फिर होता है इंटरव्यू। इन तीनों को जोड़ के, नंबर जोड़ के मेरिट बनती है, तब तुम्हें आना पड़ता है 5 से 10 लाख लोगों में, 1000 में। खुद सोचिए जब एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं तो टॉप 5 में नहीं मिलता है, और जब 5 से 10 लाख लोग हैं तो 1000 में कैसे आ जाओगे। अपनी औकात खुद देखो तभी इस कैटेगरी में घुसो, वरना घुसो मत। अगला है ग्रेजुएट। क्या है ग्रेजुएट? इस ये आईएएस, आईपीएस और आईएफएस और इसका फॉर्म डालने के लिए हमें ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट मतलब बीएससी, बीकॉम, बीए। अब सबसे मेन टॉपिक, बिल्कुल बिल्कुल ट्रेंडिंग वाला टॉपिक कि हमें इंटर के बाद क्या करना चाहिए, बीए या बीएससी। कई लोग कहते हैं इंटर के बाद अगर आईएएस बनना है तो बीए करो, लेकिन मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। क्या बीए बिल्कुल मत करो, मैं कह रहा हूँ। अब मेरा टॉपिक तो सुनो, क्यों मत करो? बीएससी करो, क्योंकि एजुकेशन की आजकल कोई अहमियत नहीं रह गई है। और उसमें भी अगर आप बीए कर लोगे तो उसकी तो वैसे ही कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि लोग बीएससी वालों की अहमियत नहीं समझते। तो सोचिए अगर आप बीए कर लेंगे और इसमें चले जाएंगे, और सोचिए इतने में आना पड़ता है, अगर नहीं बन पाए तो बीए करके आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बीएससी करे हुए होंगे तो अगर आप इसमें नहीं भी जा पाए तो आप पढ़ा सकते हैं अच्छा खासा, और बच्चे भी आपसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि बीए वालों से कोई बच्चा नहीं पढ़ता है। अगला है कि इसकी मिनिमम एज इस फॉर्म को भरने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। जनरल ओबीसी, एससी, एसटी, कोटा ओटा के सब अलग अलग होते हैं। ये मैं जनरल बिल्कुल मेन सिंपल बता रहा हूँ कि मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए, फिर वो कोटा लग जाते हैं। इसमें प्री में 2 पेपर होते हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। मेंस में 9 पेपर होते हैं और इंटरव्यू होता है। कई लोग पेपर निकाल लेते हैं लेकिन इंटरव्यू में ही रह जाते हैं। तो मैंने कहा था कि बीए करें या बीएससी। अब देखिए पहले आईएएस या आईपीएस, आईएफएस की तैयारी करे कौन? एक तो उसके पास उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। क्या इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए? क्योंकि अगर उसे घर में थोड़ा रुपया है, पैसा है, उसके घर वाले उसे सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस बिल्कुल सीरियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीरियस, तभी वो इस चीज़ की तैयारी करे। क्योंकि पता चले जब घर में कुछ खाने पीने को नहीं है और वो आईएएस की तैयारी करे पड़ा है, तो क्या फ़ायदा है ऐसी तैयारी का?
हाँ, कई लोगों ने सुना होगा कि वो झोपड़ी अली का आईएएस बन गया, लेकिन वो ही है ना, केमिस्ट्री में अपवाद पाए जाते हैं तो इसमें भी अपवाद पाए जाते हैं। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर आईएएस आईपीएस की तैयारी करनी है तो पहली बात इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, घर वाले सपोर्ट करें और टाइम ले सकें। ये नहीं कि आज पेपर दिया कल बन गए। अगर आप अच्छे भी हैं पढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाता है बनने में, 2-3 साल लग जाते हैं आईएएस आईपीएस बनने में। तो ये थी आज की वीडियो, यूपीएससी यानी आईएएस आईपीएस आईएफएस कैसे बने, जो कि यूपीएससी कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, इसमें 5 से 10 लाख लोग बैठते हैं, 1000-2000 निकलते हैं। 3 तरीके का होता है, प्री मेंस इंटरव्यू, इसके लिए हमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ बीएससी करना चाहिए, बीए ना करें। मिनिमम एज 21 वर्ष होना चाहिए। प्री में 2 पेपर होते हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप, मेंस में 9 पेपर होते हैं और इंटरव्यू होता है। और इसमें उसे ही तैयारी करनी चाहिए जो इकोनॉमिकल रूप से सही हो और पढ़ाई के प्रति बिल्कुल सीरियस हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।